चलिए जानते हैं देश और दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरें, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वह चीनी राजदूत से चीन पर ले रहे क्लास। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए कोरोना के 2380 नए मामले। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, बोले भ्रष्टाचार का उठाया सवाल तो मुझे आयोग ठहराया गया। बजरंग दल विवाद पर पी चिदंबरम ने दी सफाई, कहा बैन ने निर्णायक कार्रवाई करने का किया था वादा। खड़गे ने पीएम मोदी पर किया कटाक्ष, कहा सिर्फ उनकी जैकेट ही मशहूर है और वह उसे दिन में 4 बार बदलते हैं। साफ है संजय राउत उद्धव ठाकरे को धोखा देकर एनसीपी में होंगे शामिल, बीजेपी विधायक नितेश राणा का दावा। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल विवाद में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, कहा झूठे वादों के नाम पर वोट मांगती है कांग्रेस। कर्नाटक में कम से कम 141 सीटें जीतेगी कांग्रेस, शिवकुमार बोले सीएम पद के लिए पार्टी का फैसला मंजूर। जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे किसान, बजरंग पुनिया बोले यह देश की गर्मियों की लड़ाई है। कर्नाटक की गरीब जनता को देंगे 200 यूनिट फ्री बिजली, हर महिला को मिलेगी सम्मान निधि, सुखविंदर सिंह सुक्कू। चक्रवाती तूफान मोका का अलर्ट, अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश के आसार, मछुआरों के लिए जारी करी गई एडवाइजरी। विवादित फिल्म द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे त्रिपुरा के कई छात्र, सीएम बीरेंद्र सिंह ने दिया सुरक्षा का आश्वासन। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल, कांग्रेस के खिलाफ आरोपों पर पीएम से क्यों नहीं मांगे सबूत। एआई के चलते खत्म हो सकती है 30 करोड़ नौकरियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगी सबसे बड़ी खतरा। किसानों के लिए आई खुशखबरी, जल्द जारी हो सकती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्त। 15 दिन में नहीं हुई बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तो उठाएंगे बड़ा कदम, पहलवानों और किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। पंजाब में उच्च न्यायालय ने महिला टीवी पत्रकार को अंतरिम जमानत दी, पुलिस आलोचकों के घेरे में।